अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट स्पंज केक। स्पंज केक बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 3/4 कप मैंने मैदा लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1/4 कप कोको पाउडर, इसे भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 कप पिसी चीनी, इसे भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1/4 कप मिल्क, मिल्क हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे लेना है। 1/4 कप ऑयल, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 4 अदद अंडे लिए हैं, अंडे हमने रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करने हैं। तो चलें चलते हैं अपना बैटर तैयार करने की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, कोको पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा, और अब हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो ये सारी चीजें हैं हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये सारे देखें अच्छे से इस तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम इन्हें एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे। अंडे आप अच्छे से चेक करके फिर ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम इसको बीटर से 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। 7 ही हम इसमें थोड़ा थोड़ी करके चीनी ऐड कर देंगे। हम इसमें सारी चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए जब हमारा बैटर इस फॉर्म में आ जाएगा, ये देखिए कितना फ्लफी सा ये हो गया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे इस तरीके से, और 1 मिनट के लिए हम दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहां पर हम मशीन साइड पे कर देंगे, और यहां पर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कोको पाउडर ऐड करेंगे, और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से विस्क की मदद से इस तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने ये प्रोसेस करना है, इस तरह से आप इसको रोल करते रहेंगे, और 3 से 4 बार करके हम इसमें इस तरह से ये कोको पाउडर ऐड करते रहेंगे। और अब साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें बचा हुआ सारा ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से इसको फोल्ड करेंगे। इसको इसलिए आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करेंगे क्योंकि जो हमारा ये बैटर है वो बैठ ना जाए। देखिए बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको स्पैचुले की मदद से हल्के हाथ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि जो हमारा साइडों पे लगा है वो भी इसमें ऐड हो जाए। देखें बैटर हमारा अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने एक बेकिंग पैन ले लिया है, इसमें मैंने अच्छे से बटर पेपर लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो बैटर है वो इसमें ऐड करेंगे। इसको हम 3/4 फिल करेंगे, और मेरे पास बैटर ज्यादा है तो मैं इसको दूसरे मोल्ड में बेक करूंगी। यहाँ पर हम इसको 3/4 फिल करेंगे और इसको इस तरीके से 1 से 2 मरतबा टैप करेंगे। अब मैं इसको ओवन में रखूंगी, इसको हम ओवन में बेक करेंगे। ओवन को मैंने पहले ही 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। ओवन हमारा अच्छे से प्री हीट हो गया है, और अब हम इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। 35 मिनट हो गए हैं और केक हमारे अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसको छुरी की मदद से इस तरीके से मोल्ड से अलग कर लेंगे, और हम इसको इस तरीके से पलट देंगे, और ये देखें कितना जबरदस्त सा हमारा केक तैयार हुआ है। साथ ही हम इसका बटर पेपर उतार देंगे। देखें दोनों का बटर पेपर हमने उतार लिया है, और ये देखें कितना स्पंजी सा और कितना सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखें कितना सॉफ्ट है, देखें कितना जबरदस्त सा और कितना स्पंजी सा हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। देखें आप इसका स्पंज चेक करें,
कितना सॉफ्ट और जाली नुमा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है ये देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।